26 जनवरी की इस खुशनुमा सुबह में आप सभी को मेरा नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सर्वप्रथम हम उस अखंड, अनंत, अविनाशी, समग्र ब्रह्मांडों के नियंता को धन्यवाद देने के साथ साथ उन लोगों को जिन्होंने हमें नियति से मिलने का वचन दिया था। वो समय था आजाद भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए 15 अगस्त 1947, जिसने भारत के गौरव को पुनः हमसे मिलाने का वचन निभाया। 15 अगस्त 1947 की वह खुशनुमा रात्रि 12 बजे, जब आधी दुनिया सो रही थी और भारत जीवन, स्वतंत्रता, अपने प्राचीन गौरवशाली स्वर्णिम युग के सूरज का पुनः अभिनंदन करने के लिए पूजा की थाल सजाकर उसके माथे पर सुनहला तिलक लगा रहा था। हमें आज उन शहीदों को, उस हर हिंदुस्तानी को जिन्होंने हमें यह सौभाग्य का क्षण दिया, हमारी नई आशाओं को जन्म दे गई। दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर जब भी भारतवासियों की नजर जाती तो उन सभी की यादें, जो भारत की स्वतंत्रता के यज्ञ में जिन्होंने अपनी आहुति दी, उनका स्मरण, उनकी यादें, वे महान लोग हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदनलाल धींगरा, खुदीराम बोस, अरविंदो घोष, बिरसा मुंडे, रानी लक्ष्मीबाई, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, राजगुरु, सुखदेव थापर, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, वे भी हमारे देश के लिए, हमारे लिए उतने ही वंदनीय हैं। मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान देश को समर्पित किया था पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर के कर कमलों से। हमारे बलिदानियों की आज पूर्ण आहुति हुई थी। गणतंत्र दिवस पर भारत अपने वर्षों का ख्वाब पूरा करते हुए आसमान की ऊंचाइयों पर सफर करने लगा था। आज के दिन हिंदुस्तान उन चंद देशों में शामिल हो गया था जो स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वशासित परिधानों से अलंकृत थे। आज के दिन भारत की ऊर्जामयी प्रकाश किरणों से जन्म होता है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान का, पूर्ण स्वराज्य का। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। भारत की ध्वजा में ये 3 रंग देश की शान है, ये हिमालय है, ये गंगा है, ये हिंदुस्तान की शान है, हर भारतवासी की आत्मा है, हृदय का स्पंदन है। हमें स्वयं व अपने बच्चों को याद दिलाना चाहिए, हम गधीज का स्वाभिमान है जिनकी अस्थियों से वज्र बना था। हम शक्तियों में शिवाजी हैं। हम उन अगस्त ऋषि की संतान हैं जो समंदर पी सकते हैं। हम विवेकानंद की गौरव गाथा हैं। हम उस जीवन परंपरा की गाथा हैं जिसने सिंहों के दांत गिने थे। दुनिया को जान लेना चाहिए करुणा में। हम बुद्ध,
और महावीर हैं। लेकिन यदि कोई भी देशद्रोही किसी भी भेष में भारत की धरा पर आ गया तो हम रणचंडी बनकर उसका सर्वनाश करने को संकल्पित हैं। हमने हमेशा विश्व गुरु बनकर विश्व को रोशनी दी है, जिस रोशनी में यह दुनिया सही अर्थों में सत्य शिव और सुंदर को। भारत का अगला कदम विश्व गुरु की आहट से गुंजायमान हो रहा है। 26 जनवरी को आप सभी लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे हमारा भारत और बढ़े, बढ़ता ही रहे, फूले फले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय हो।